सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। दोस्तों आज तारीख है अपना 25/1/2024। तो दोस्तों आज आपके सामने रोड भी दिख रहा हो खाली और गाड़ी भी दिख रहा है खाली। तो मैं चंडीगढ़ में खाली फंसा हूँ भाई, कल से कोई बुकिंग नहीं मिल रही है, कहीं हाथ पैर चला लिया कोई बुकिंग नहीं मिली। तो अब यहाँ से चलते हैं, धीरे धीरे उबर भी साथ नहीं दे रहा। उबर भी एक बार बजाया था दिल्ली, किसी ड्राइवर ने मजे ली मेरे से, कैंसिल कर दिया। ठीक है तो भाई अब देखते हैं यहाँ से काली जाके क्या होता है आगे। ये तो भाई बिजनेस का पार्ट है, कभी काम इतना भी आ जाता है कभी डाउन भी आता है। तो जैसे ऊपर वाले ने भी ये सोचा ना कि भाई रात को बुकिंग दे दी, मतलब सेम डे में गाड़ी निकाल दी थी, चंडीगढ़ भेज दिया था तो कल होल्ड कर दी। लेकिन आज ऊपर वाला मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है भाई। आज तो बुकिंग देनी चाहिए ना, चलो एक दिन में एक बुकिंग दी आपने, लेकिन दूसरी तो तीसरी बुकिंग तो दो बुकिंग मैंने कर चुका हूँ, तो तीसरी तो पोंटा साहब से दिल्ली। तो आपने पोंटा साहब वाला ब्लॉग नहीं देखा था, ब्लॉग जाकर देखिए नीचे वीडियो सेक्शन में। और देखते हैं अभी क्या होगा दोस्तों। दोस्तों मैं चलते हैं अपने काम के बारे में बात वगैरह करते हैं, अपना अंबाला वगैरह देखते हैं। अंबाला 10-15 मिनट में होल्ड कर लेंगे, बच गई ड्यूटी, कोई बना दिया बन गए प्लान तो ठीक है, करनाल देख लेंगे। मतलब ऑन द वे जो रास्ते में टाइम जगह मिले, जहाँ ठीक ठाक जगह है वहाँ पे वेट कर लेंगे। अगर बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो कोई बात नहीं भाई। ये कहाँ गया, अरे यार ये लोग फालतू के फोन कौन करते हैं इतना सारा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं क्या होगा आगे चल के। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में, तो अभी आप लोग काम के बारे में करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों होता क्या है कि इस लाइन में ना लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, इस लाइन में बहुत लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बजट नहीं है, उनके पास काम नहीं है। तो दोस्तों देखो मैं तो ये कहूँगा कि भाई पर इस काम को सीखना चाहिए आपको, आसपास में अपने ड्राइवर से पता करना चाहिए कि भाई मुझे गाड़ी मिल जाएगी रेंट पे, मुझे गाड़ी चलाना है ये वो, उसके बाद ले ओ गाड़ी फिर चलाओ। क्योंकि यार काम घर में लोग बैठे, बहुत लोग बेरोजगार बैठे हुए बहुत। चलो ऊपर वाले की दुआ से हमारे पास तो ठीक है, जो भी चल रहा है काम धंधा, और गाड़ी भी ले रखी है तो अपना दाल रोटी चल ही रहा है, बाबा श्याम की कृपा है, राम जी की कृपा है, चल रहा है जैसे भी। तो दोस्तों बहुत लोग बेरोजगार बैठे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना काम धंधा स्टार्ट करें, चाहे कुछ भी करो, जरूरी नहीं है कि गाड़ी लाइन में ही आपको आना है, बजट नहीं है और कुछ काम स्टार्ट करो, क्योंकि घर में बैठने से हल नहीं होगा। लोग बहुत दिन दिन तक वेट करते, नौकरी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगा, भाई मार्केट के हालात बहुत डाउन है। चाहे कुछ भी दुकान खोलो, एग्जाम्पल फॉर चाय बिस्कुट दुकान हो गई, पानवाड़ी के काम हो गई, कोई मार्केटिंग में सेल्स मैन के काम, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो आप कर सकते हो करने वाले। और बहुत लोग कमेंट भी आया कि चाय बिस्कुट का नाम लेकर के मैं बोला हूँ, तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आपने क्यों नहीं किया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ उन भाइयों को भी कि देखो चाय बिस्कुट की लाइन में भी पैसे कमी नहीं है, लेकिन बस बशर्त ये है कि आपका लोकेशन क्या है, काम धंधा क्या होना चाहिए, बिजनेस करना आपका फिर माइंड होना चाहिए। एक छोटी सी बात सुना, हम लोग ढाबे में रुकते हैं, चाय पकौड़ा भी तो मिलता है, हैं एक चाय 20-20 रुपये बिकती है, 30-30 रुपये बिकती है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं ऐसा जो आप लोग को समझ आएगी आप करने बैठेंगे तो। नहीं तो जिस भाई को गाड़ी चलाना है, गाड़ी में भी काम ठीक है, कभी कभी देखो खाली भी जाना होता है, काम भी मिलता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आपने देखा होगा इससे पहले चंडीगढ़ ब्लॉग आया था मेरा ओरा कार के रिव्यू में, और एक आया था जो एक भाई थे हमारे उबर ड्राइवर, वो उबर से लेकर आए थे दिल्ली से ड्यूटी चंडीगढ़, तो वो यहाँ आके फंस गया था दोस्तों, मतलब फंस गया, अभी भी वो होल्ड ही है, यहीं पे वेट कर रहा है कोई बुकिंग मिल जाए। जलंधर गया था, जलंधर से खाली आया चंडीगढ़, बोला चंडीगढ़ से देखता हूँ कोई बुकिंग मिल जाए, तो इस वजह से वो लोग खाली बैठे थे। मैंने कहा यार मेरे पास तो बुकिंग है भाई, मेरा तो खाटू श्याम जाऊँगा, तो इसलिए मैंने कहा यार छोड़ो मैं तो चलता हूँ खाली, देखते हैं बच जाए ठीक है, नहीं तो टोल बचा के निकल लेंगे भाई, और क्या करेंगे, 500-600 रुपये की सीजी फूकनी है। अगर ये गलती मैंने कल ही कर लिया होता तो मेरा क्या पता वो फायदा हो जाता दोस्तों, वो वाली नुकसान वाली बातें हैं। चलो कोई नहीं, ये तो पार्ट है बिजनेस का, चलता रहता है ऊपर नीचे। तो आप लोग का काम कैसा चल रहा है, जो भाई काम कर रहे हो अपना कमेंट करके बताएं, जो नहीं कर रहे हो वो भी बताएं। देखो आइडिया दिमाग लगाने से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो मैं ही ब्लॉगिंग करता हूँ, साथ में यूट्यूब भी चलाता हूँ, यूट्यूब से भी सोर्स ऑफ इनकम आते हैं ना थोड़ा बहुत, जो भी आता है तो वो वाली बात है दोस्तों। तो आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए दोस्तों, ताकि हमें भी ना मतलब ये ना दिक्कत हो कि भाई हमें घर परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, आप सभी के है, ऐसा नहीं है, इससे क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग गाड़ी लाइन में आना चाहते हो, गाड़ी लाइन में भी मोस्ट वेलकम है, महीने का आप
20-25 हज़ार रुपये काट पीट के सब कुछ बचा सकते हो, ऐसा नहीं है ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत लोग डीमोटिवेट करते हैं भाई, मैंने देखा है यार। एक चीज़ बताओ, घर किसी का घर चल जाए बच जाए तो भाई क्या दिक्कत है, लोग बुरा मानते हैं भाई ऐसा वैसा। भाई मैं कहता हूँ क्यों मानते हो भाई, ऐसा क्यों करते हो, लोगों को डीमोटिवेट क्यों करते हो। किसी को रोटी दो ना भाई खाने के लिए, नहीं है तो रास्ता बता दो, आप नहीं दे सकते तो। लेकिन किसी को डीमोटिवेट करना ठीक नहीं है ना, अगर डीमोटिवेट करोगे तो भाई गलत है ना इस तरीके से। भाई किस पे किसके दिल पे क्या बीतता है पता नहीं है बॉस, समझ रहे हो। इसीलिए मैं तो भाई यही जानता, मैं तो भुक्त भोगी हूँ ना, मैंने तो 32 लाख रुपये लॉस करके बैठा हूँ अपने बिजनेस काम करके। बस उस टाइम ये था कि मैं एक गरीब घर का बच्चा यहाँ तक पहुँचा किसी तरह, करोड़ों में खेल करके कोरोना ने सबको डुबाया, समझ रहे हो भाई। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे के फ़ोन आते हैं, मैं बुरा हाल, मतलब बंदा रोता रहता, कहता भैया कोई काम है तो बता दो यार, ड्राइविंग का जॉब है तो बता दो। तो भाई प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, जिसके पास जो भी रास्ता हो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, काम देने वाले भी अपना उसमें मैसेज डाल सकते हो, काम करने वाले भी मैसेज डाल सकते हो। जिस भाइयों के पास ड्राइविंग का जॉब हो, जो भी गाड़ी रेंट पर देना चाहता है, उस सब उसमें संपर्क कर सकता है अपना, ताकि किसी कोई भी भाई हमारा खाली न बैठे, बेरोजगार न रहे, घर परिवार में दिक्कत ना हो, दाल रोटी के पैसे कम से कम निकल जाए। जिंदगी तो काटनी है यार, किसी ने लेके नहीं जाना है, समझ रहे हो, सब यही छोड़ के जाना है। बस नाम होता है कि इसने इतना इतना पैसा कमा लिया, इतना उतना पैसा कमा लिया, बस ये वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग भी इस बात को ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और जो भाई ड्राइवर भाई है वो अपनी रोडों पर चलते वक्त ध्यान रखिए इस चीज़ का, क्योंकि इसमें से कई बंदे कमेंट आएगा कि आप ध्यान रखते हो। भाई मेरी नज़र ना बिल्कुल कैमरे पे नहीं है, सामने है बिल्कुल, तो मेरे को पूरा फोकस है कैमरे पे और सामने भी। जिन भाइयों को